कितने मार्क्स के आसपास आता है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन फाइव मार्क्स के आसपास यस एंड होप सो आपको अभी तक सेशंस पसंद आए होंगे एंड कितने लेक्चर बाकी है राजा इसके बाद हार्डली छह लेक्चर्स बाकी है जिसमें आपका सोल प्रोपराइटर कवर होगा दैट इज फाइनल अकाउंट्स कवर होगा पार्टनरशिप कवर होगा फंडामेंटल एंड पूरा का पूरा, पूरा पार्टनरशिप बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैश बुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड थियोरी परफेक्ट यस सर होप यूर डुइंग गुड एंड आज आपका एक वीडियो अपलोड होने वाला है अबाउट हाउ शुड यू अप्रोच योर डेली स्केड एक्सेट्रा एक्सेट्रा और यू कैन से चीजें जो मैंने फॉलो किया था वेन आई वॉज स्टडिंग टू डू वॉच दैट वीडियो का यस अब मेरे को नहीं पता इसके पहले अपलोड होगा कि इसके बाद अपलोड होगा बट स्टिल वो आज या कल में अपलोड हो जाएगा परफेक्ट येस सर सो सबसे पहले वट आर द टॉपिक दैट विल बी कवरिंग टूडे चैप्टर तो इन्वेंट्री दैट्स ऑब्वियस बट उसमें क्या सर सबसे पहला वॉट इज इन्वेंट्री वॉज का और होगा वाई इज द नीड टू वैल्यू इन्वेंट्री एंड डिफरेंट वेज टू वैल्यू इन्वेंट्री इन्वेंट्री क्या है इन्वेंट्री नीडेड क्यों है वैल्यूएशन के लिए एंड हाउ टू वैल्यू देम सबसे पहला वट यू मीन बाय इन्वेंट्री सिंपल बोल रहा हूं ईयर एंड दैट इज अब नॉर्मली अपन सी बन चुके और अपने को समझ चुका है नॉर्मली अपने लिए ईयर एंड क्या होता है इकतीस मार्च बट स्टिल एंड पे जो भी रॉ मटेरियल डब्ल्यू आई पी फिनिश गुड्स स्टोर एंड स्पेस पैकेजिंग मटेरियल जो भी गुड्स आपके पास पड़े हुए हैं ईयर एंड पे वो आपके क्या बन जाएंगे इन्वेंट्री आपके लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डब्ल्यू फिनिश गुड्स स्टोर्स एंड स्पेस एंड पैकेजिंग मटेरियल ऑन लास्ट डे ऑफ ईच ईयर अब मेरे लास्ट डे ऑफ ईच ईयर लास्ट डे ऑफ ईच फिनेंशियल ईयर या आप क्या बोल सकते हो लास्ट डे ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज इन्वेंट्री फॉर मी परफेक्ट अब सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या नॉन मैन्युफैक्चरिंग के क्या कोई फर्क नहीं बेटा अपन ने सीख लिया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल भी रहता है सर डब्ल्यू आई भी क्या रहता है बेटा वर्क इन प्रोग्रेस होता क्या है सपोज आपने रॉ मटीरियल फैक्ट्री के मशीन में डाल दिया अब क्या तुरंत निकलेगा क्या नहीं सर हो सकता है उसको समय लगे दो तीन घंटे का अब इकतीस मार्च आपका year end है, अब manufacturing, जो फैक्ट्री रहती है नॉर्मली ट्वेंटी फोर इंटू सेवन चलती है चौबीसों घंटे चलती है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही वैसा है कि वहां बहुत सारी फैक्ट्री ट्वेंटी फोर आवर्स चलती है अब इकतीस मार्च को रात को ग्यारह बजे आपने रॉ मटेरियल डाला मशीन के अंदर अब क्या वो आपका फिनिश गुड बन गया क्या 12 बजने के पहले नहीं सर वे फिनिश गुड कब बना एक अप्रैल को तो कहना है बना रॉ मटेरियल मैंने इकतीस मार्च को डाल दिया तो अब ना वो रॉ मटेरियल बचा ना वो फिनिश गुड बना तो कहना है वो बीच में है बीच का बंदर डब्ल्यू आई पी इनकेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड उसके अलावा स्टोर एंड स्पेस एंड पैकेजिंग मटेरियल अब अगर कोई कंसर्न है जहां ट्रेडिंग होती है ट्रेडिंग मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं ट्रेडिंग मतलब जो आदमी गुड्स खरीदता है और गुड्स बेचता है, तो उसके लिए ट्रेडेड गुड्स मतलब, सर जो गुड्स वो परचेज करता है उसका ईयर एंड में जितना भी माल बचा हुआ है वो उसके लिए क्या बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक दैट इज द इन्वेंट्री अब वाई वी नीड टू वैल्यू इन्वेंट्री एज ए सी ए बिकॉज राजा आप सीए बनने वाले हो और सी ए का काम है ऑडिट करना सीए का काम क्या है ऑडिट करना ध्यान देते का, का काम क्या है ऑडिट करना ऑडिट करके क्या पता करना कि आपके जो क्लाइंट ने प्रॉफिट दिखाया है आपके क्लाइंट ने जो प्रॉफिट दिखाया है क्या वो करेक्ट प्रॉफिट है क्या क्या उसके बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो करते हैं क्या कौन सा व्यू ट्रू एंड फेयर व्यू शो करते हैं क्या इफ येस yes, तभी आप उसके बैलेंस शीट पे क्या करोगे साइन तभी आप उसके बैलेंस शीट पे क्या करोगे साइन एम एस ऑड इट सर बट हाउ विल इन्वेंट्री इंपैक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ना आपको था था होता क्या राजा सपोज ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है सपोज ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है आपका मतलब आपके क्लाइंट का आप सीए बनने वाले हो तो ये आपके क्लाइंट का ट्रेडिंग अकाउंट है यस यहां पे ओपनिंग स्टॉक है मैं सीधा सीधा वैल्यू का लिख देता हूं दस लाख रुपए का फिर उसके बाद परचेज ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस पचास लाख के और उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है दस लाख के और पचास लाख बरोबर नहीं दिख रहे यस ओपनिंग स्टॉक दस लाख परचेजेस पचास लाख डायरेक्ट एक्सपेंसेस दस लाख अब सेल्स है लेट्स अज्यूम करो पचास लाख की सेल्स कितनी है पचास लाख की अब एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक जो करेक्ट वाला है वो कितने का ही है पंद्रह लाख रुपए का एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक जो करेक्ट वाला है वो कितने का है पंद्रह लाख रुपए तो कहना है yes सर धंधे को ग्रॉस लॉस है कितना हो गया यहां पे सत्तर यहां पे भी कितना होना चाहिए सत्तर तो ग्रॉस लॉस कितने हो गया पांच लाख रुपए अब उसके बाद क्या बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन कितना ब्रॉड डाउन फाइव लाख रुपीस फिर उसके अलावा धंधे में और भी खर्चे रहते हैं एग्जाम्पल के लिए सैलरी एक्सेट्रा वो मिला के और कितने खर्चे हो गए पांच लाख रुपए क्या हो गया सर धंधा नेट लॉस में आ गया दस लाख रुपए क्या आ गया धंधा नेट लॉस में दस लाख रुपए अब होता क्या है अब होता क्या है सर धंधा लॉस में आप ये आदमी पे बैंक का लोन भी है बैंक की सीसी भी है कैश क्रेडिट लिमिट और इसने लोगों से लोन लेके रखा हुआ है अब अगर बैंकर्स इसकी लॉस वाली बैलेंस शीट देखेंगे तो भाई साहब बैंक बोलेंगे हमारा पैसा वापस लौटा दो हमारा पैसा वापस लौटा दो तो इस आदमी के ऊपर प्रेशर है इस आदमी के ऊपर प्रेशर है कि इसको प्रॉफिट दिखाना ही चाहिए हो या ना हो बट ऑन रिकॉर्ड तो दिखाना ही है प्रॉफिट यस yes. तो अब आदमी क्या करेगा भाई साहब परचेज पे तो कहीं ना कहीं जीएसटी अड़ जाता है यस yes, क्योंकि हर चीज जीएसटी के एम्बिट में आ गई है परचेज और सेल तो आप एक इंसान का उसके जीएसटी से जीएसटी पोर्टल से निकाल सकते हो तो ये दो फिगर तो लॉक हो गए और डायरेक्ट एक्सपेंसेस बट ऑब्वियस क्योंकि इनकम टैक्स की वजह से कुछ रूल्स है तो आपको यह बैंक अकाउंट के थ्रू पे करना पड़ा यस yes. अब बैंक अकाउंट के थ्रू पे करना पड़ा तो आपको दिख गया कि आपका कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या आप इसे घटा सकते हैं क्या नहीं सर इसे बढ़ा सकते हैं क्या नहीं अब सैलरी बट इनकम टैक्स कुछ रूल वजह से आपको किसके थ्रू देना पड़ता है बैंक अकाउंट के थ्रू तो सैलरी आगे भी फिक्स हो गई अब बच्चा क्या सर दो चीजें बची ओपनिंग स्टॉक बेटा इसको आप छेड़ नहीं सकते क्योंकि पिछले साल आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह फिगर दे चुके हो कि मेरा ओपनिंग स्टॉक दैट इज पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पिछले साल बता चुके हमारे पास दस लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है इकतीस मार्च को और वो ये आपका अप्रैल को क्या बन जाएगा ओपनिंग फिगर है छेड़ने के लिए कौन सा बचता छेड़ने के लिए आपका क्लाइंट आपको बताएगा भी नहीं और वो इस फिगर को चेंज कर देगा कैसे कुछ नहीं करना है उसको उसको करना है यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कितने का तीस लाख रुपए का लेट्स टेक लाख क्लोजिंग स्टॉक कितने का लेट्स टेक लाख का तो आप मेरे को एक बात बताओ क्या पूरी फाइनेंशियल पोजिशन ही चेंज हो गई बिल्कुल सर अब ग्रॉस लॉस के जगह क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट ट्वेंटी लाख रुपीस फिर ग्रॉस लॉस ब्रॉडडाउन के जगह अब क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट डाउन बीस लाख रुपए, यस और सैलरी पांच लाख रुपए तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया ट्रांसफर टू कैपिटल कितना हो गया आपका पंद्रह लाख रुपए तो आपको समझ रहे उसने एक फिगर चेंज किया और उसकी पोजीशन प्रॉफिट में आ गई उसको और कुछ नहीं करना पड़ा उसने सिर्फ एक फिगर चेंज किया और उसकी पोजिशन प्रॉफिट मांगी अब सपोज आपने इस पे साइन कर दिया यस कल को कल को ये आदमी बैंक करप्ट हो गया ना और इसकी स्क्रूटनी हुई तो पता चलेगा ये क्लोजिंग स्टॉक प्रॉपर नहीं था और आपने बिना देखे साइन किया आपके तो लग गए बॉस इसलिए आपको ये चालीस लाख को वैल्यू करने आना चाहिए बिकॉज आपकी साइन के लिए आपने अपने जिंदगी पांच साल घसवाए है आपने पढ़ा है ताकि आपको ये राइट मिल सके साइन करने का और कुछ क्लाइंट्स के चक्कर में आप ये राइट दोगे क्या नहीं क्या ये राइट को आप अपने दिक्कत में लेके आए कभी नहीं इसलिए आपको इस चीज का वैल्यूएशन करना आना चाहिए परफेक्ट बिकॉज दिस कैन चेंज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन जस्ट वन क्लिक परफेक्ट यस सर चल अब आप, क्या आपको समझा वट ऑज द नीड एंड देख लेंगे सर ये टेबल पढ़ने का नीड है क्या नहीं राजा ये टेबल में हर चीज अपन कवर कर लेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ये सब मेथड है कवर कर लेंगे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना इन्वेंट्री का कोई भी मेथड ले लो वो मेथड का बैकग्राउंड या बेसिस यही चलेगा या तो कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर पे आपका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा एग्जांपल के लिए कोई गुड्स की कॉस्ट है चालीस लाख रुपए स्टॉक की कॉस्ट है चालीस लाख और एनआरबी है पचास लाख विच एवर इज लोअर तो कितने वैल्यू होगा चालीस लाख पे अज्यूम करो कॉस्ट चालीस ही है बट एनआरवी पैंतीस है एनआरवी कितनी है पैंतीस लाख रुपए तो अब कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर तो कितने वैल्यू होगा एन पर परफेक्ट यस सर सर एनआरवी का मतलब क्या होता है थोड़ा एक बार प्लीज बता दीजिए चलो एग्जाम्पल लेते हैं आईफोन ट्वेल्व एग्जाम्पल ले रहा हूं मेरे को एग्जैक्ट रेट नहीं पता बट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि आईफोन सबके दिमाग में फीडेड है यस yes, आईफोन ट्वेल्व ये लॉन्च हुआ था अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी थाउजेंड के आसपास यस yes, लॉन्च हुआ था सेवनटी थाउजेंड के आसपास अब आज से दो साल पहले फेम नॉट रॉन्ग दो साल पहले आसपास लॉन्च हुआ था दो या तीन अब झगड़ा मत करना उस पर कितने साल पहले लॉन्च हुआ था दो साल पहले सेवेंटी थाउजेंड में अब मेरे एक परिचित में है मिस्टर ए जिनका मोबाइल शॉप है जिनका क्या काम है मोबाइल का शॉप है उनको ये आईफोन राजा सत्तर हजार तो सेलिंग प्राइस था सत्तर हजार वॉज सेलिंग प्राइस अब इनको कॉस्ट क्या पड़ रही थी इनको कॉस्ट पड़ रही थी सिक्सटी फाइव थाउजेंड कॉस्ट क्या पड़ रही थी सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो इन्होंने ना तीन सौ पीस खरीद लिए. कितने पीस खरीद लिए तीन सौ पीस खरीद लिए अब हुआ क्या तीन सौ पीस में से दो सत्तर सेल आउट हो गए. दो सौ सत्तर सेल आउट हो गए और जैसे ही सेल आउट हुए उसके बाद तीस पीस अभी बचे इन्होंने खरीदे कितने थे तीन सौ आईफोन बट कितने बिक गए सर अभी भी तीस पीस बाकी है यस अभी भी तीस आईफोन बेचना बाकी है बट अब आईफोन ट्वेल्व का रेट हो चुका है पचास हजार रुपए अगर आज इनको आईफोन ट्वेल्व बेचना है तो कितने में बिकेगा आईफोन ट्वेल्व पचास हजार रुपए में कितने में बिकेगा आईफोन ट्वेल्व पचास कॉस्ट सिक्स था जो तीस आई बचे हर का कॉस्ट आई फोन काउजेंड पर आई बट आज अगर मैं बेचने जाऊंगा तो कितने में बिकेगा पचास हजार तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या बोला जाता है या तो आप कॉस्ट पर वैल्यू करो या तो एनआरवी विच एवर इज लोअर आज अगर मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा सर आज अगर आप बेचने जाओगे तो पचास हजार मिलेगा तो तीस आईफोन भली उनका कॉस्ट सिक्सटी फाइव हो बट क्लोजिंग स्टॉक में जब आएंगे तो किस रेट से आएंगे तीस हजार इन पचास तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बना आईफोन ट्वेल्व का आईफोन ट्वेल्व का क्लोजिंग स्टॉक बना पंद्रह लाख रुपए का कितने का बना पंद्रह लाख रुपए का जबकि आपका खरीदने का रेट उससे ज्यादा था बट कॉस्ट और एनआरबी इज लोअर आई यू परफेक्ट विथ दिस सर yes, क्या कंसेप्ट समझा बिल्कुल सर लेट्स प्रोसीड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है अब मैं आपके सामने इन्वेंट्री वैल्यूशन करूंगा पहले नॉर्मली एक आम आदमी क्या करता है वर्सेस एक्चुअल में क्या होना चाहिए पहले मैं क्या करूंगा ध्यान दो ये गलत है जो मैं कर रहा हूं पहली बता रहा हूं बट आपको समझाने के लिए नॉर्मली बच्चे कैसे करते एग्जाम में या एक आम आदमी क्या सोचेगा बट आप सीए बनने वाले हो आपको अलग से एक तरीका सिखाया जाएगा जो कि सही तरीका है चलो आपको बोला क्या है लिमिटेड डील्स एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर द हिस्टोरिकल कॉस्ट हिस्टोरिकल मतलब खरीदी रेट हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिस रेट में आपने खरीदा होगा एनआरवी मतलब आज कितने में बिकेगा आज कितने में बिकेगा ऑफ द आइटम्स ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक्स आर गिवेन बिलो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अब पी का सर हम देख रहे थर्टी एट में मोबाइल लेके आ आज एक मिनट थर्टी एट कैलकुलेटर थर्टी एट प्लस ट्वेंटी नाइन प्लस सेवनटीन कितना हो गया एटी फोर ये कितना हो गया 84 और यहां पे कितना हो गया 42 टू प्लस ट्वेंटी नाइन प्लस फोर्टीन कितने वैल्यू करोगे कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर तो आपका पी क्यू आर का कॉस्टिंग क्या आ गया क्लोजिंग स्टॉक का 84,000 बट क्या ये सही तरीका है क्या नहीं सर ये सही तरीका नहीं है मैं एक बार रीचेक कर लेता हूं यस yes. क्या ये सही तरीका है क्या नहीं सर सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं पी का कॉस्ट कितना है थर्टी एट एनआरवी कितना है फोर्टी टू विच एवर इज लोअर तो पी का स्टॉक कितने वैल्यू होगा थर्टी एट रुपीज में कितने वैल्यू होगा थर्टी एट अब क्यू का कॉस्ट भी ट्वेंटी नाइन है एनआरवी भी ट्वेंटी नाइन है तो क्यू का स्टॉक का वैल्यूएशन कितने में होगा ट्वेंटी नाइन का और आर का कॉस्ट सत्रह है भी फोर्टीन है तो आर का स्टॉक कितने वैल्यू होगा फोर्टीन रुपीस कितने वैल्यू होगा 14. तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया आ गया भाई मेरा कैलकुलेटर थर्टी एट प्लस ट्वेंटी नाइन प्लस फोर्टीन आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने वैल्यू हो गया टोटल एट्टी वन रुपीज नॉर्मली क्या करते लोग 84 और 85 फाइव इन दोनों कंपेयर करते हैं बट आपको इंडिविजुअल स्टॉक वाइज कंपेयर करना पड़ेगा परफेक्ट विद दिस यस आई वेरी परफेक्ट विद दिस परफेक्ट सर। चले आगे टू द सेकेंड क्वेश्चन यस सर अब सर यहां एक मेथड लिखा हुआ है फीफो यहां एक मेथड लिखा हुआ है फीफो सर फीफो का मतलब क्या होता है पहले आप प्लीज वो बताइए बिल्कुल राजा एक मिनट दो सर फीफो का मतलब क्या होता है फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो का मतलब क्या होता है फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सर ये क्या ये एक मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन है यस yes, राजा इट्स अ मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन सर मतलब ये कहना क्या चाहते हैं जो गुड्स पहले बन के आएंगे वो गुड्स पहले बाहर जाएंगे मतलब जो गुड्स पहले मैन्युफैक्चर हुए या जो गुड्स पहले खरीदे गए वही गुड्स सबसे पहले बेचे जाएंगे ऐसा क्यों सर सर ये पहले कौन से इंडस्ट्री में यूज होता है नॉर्मली ये उस इंडस्ट्री में यूज होता है जहां प्रोडक्ट पे क्या रहती है एक्सपायरी जहां प्रोडक्ट पे क्या रहती है एक्सपायरी एग्जाम्पल के लिए मेडिसिन

मैं एक्सपायर्ड माल अपने पास नहीं रख रहा हूं परफेक्ट नहीं तो क्या होगा अगर जो माल तुरंत तुरंत तुरं बना है वही मैं बेच रहा हूं तो कहना है वाला माल पुराना होते जाएगा यस yes. और आखिर में वो एक्सपायर हो जाएगा तो मेरा काम है जो माल मैंने पहले बनाया या जो माल मैंने पहले खरीदा वो माल पहले बेचू परफेक्ट ये कौन सेक्टर से में अप्लाई हो सकता है जहां पे एक्सपायरी है एक्सपायरी ऑफ प्रोडक्ट और किसी चीज की एक्सपायरी नहीं एक्सपायरी ऑफ दी प्रोडक्ट परफेक्ट विद यस सर चलो अब इस क्वेश्चन है अ हैज़ द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ कंडेंसर एक मैन्युफैक्चर जो शायद एसी बनाता होगा तो एसी में लगता है कंडेंसर तो उसने कंडेसर कंडेसर नहीं ये रेडियो सेट बनाता है उसमें भी कंडेंसर लगता मेरे को पता नहीं था भाई कोई बात नहीं A manufacturer has the following record of purchase of condenser which he uses while manufacturing मैन्यूफेक्चरिंग radio सेट ये किसका क्वांटिटी है कंडेंसर का क्वांटिटी है और ये किसका प्राइस पर यूनिट है कंडेंसर का प्राइस पर यूनिट यस नौ सौ रुपए इंटू पचास नौ सौ इंटू हर यूनिट का क्या रेट है पचास ऐसा हिसाब किताब है बेटा परफेक्ट तो हमने डिसंबर चार को 900 यूनिट खरे पचास रुपए के हिसाब से डिसंबर दस को हमने 400 यूनिट खरे पचपन के हिसाब से को हमने 300 यूनिट खरे पचपन के भाव से 19 को 200 यूनिट 60 के भाव से और 28 को 800 सौ यूनिट फोर्टी सेवन के मेरे को एक बात बताओ क्या क्वेश्चन बहुत एक रियलिस्टिक व्यू देता है यस yes, सर जब आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हो तो प्राइस एक नेगोशियबल प्राइस रहता है जब आप कम क्वांटिटी खरीदोगे तो आपको चीज महंगी पड़ेगी जब आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो आपको चीज थोड़ी सस्ती पड़ेगी होलसेल रेट लगाया जाएगा जब आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हो और जब आप चिल्लर में खरीदते हो या कम क्वांटिटी खरीदते हो आपको क्या लगाया जाएगा मोटा मोटी रिटेल रेट परफेक्ट यस सिक्सटीन हंड्रेड यूनिट वर इशूड मतलब मैंने खरीदा कितना है छब्बीस सौ मैंने परचेस किया है छब्बीस सौ यूनिट और मैंने इशू किया है इशू मतलब रेडियो सेट बनाने के लिए कितने दिए हैं सोलह सो यूनिट तो अभी भी कितने यूनिट बचे हुए हैं वन थाउजेंड यूनिट आर लेफ्ट आर लेफ्ट और मेरे को इन यूनिट का क्या करना पड़ेगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या करना पड़ेगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन कि ये एक हजार यूनिट का क्या वैल्यू है कौन सा मेथड चल रहा हूं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट परफेक्ट यस सर चलो अब ये इशू का वो हुआ यूनिट अठारह दिसंबर को हुए यस yes? चलो अब एक काम करते हैं अपन अब फॉर्मेट तो मैंने बनाया नहीं मैं आपके साथ में बनाना चाहता था ठीक है डेट उसके बाद परचेज क्वांटिटी परचेज क्वांटिटी यूनिट्स इशूड क्वान्टिटी लेफ्ट क्वान्टिटी लेफ्ट अभी मैं अपने हिसाब से फॉर्मेट बना रहा हूं अपने हिसाब से फॉर्मेट बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है सर सबसे पहले डिसम्बर चार को आपने नौ सौ यूनिट परचेज किए डिसंबर चार डिसम्बर चार परचेज कितनी क्वांटिटी किया 900 और किस रेट से किया एक काम करो सर रेट का कॉलम बीच में डाली दो चलो एक काम करते हैं आपके लिए बात है क्या रेट का कॉलम बीच में डाल देते हैं थोड़ा सा इसको और क्या होगा डेट परचेज अब इसमें क्या करूंगा मैं क्वांटिटी कितना परचेज किया और प्राइस पर यूनिट फिर हमने इश्यू किया तो क्वांटिटी कितनी इशू किया और प्राइस पर यूनिट परफेक्ट और अब आपके पास बचा हुआ है क्वांटिटी लेफ्ट तो कितनी क्वांटिटी बची हुई है और क्या प्राइस की बची हुई है यस yes, अभी पिक्चर परफेक्ट क्लियर यस yes, अब इसका स्क्रीनशॉट लो या तो आप खुद से बनाओ और आप ये एक बार खुद से ट्राई करके देखो ठीक है या खुद से एक बार ट्राई करके देखोगे आपको मैं गिनती के पांच मिनट दे रहा हूं तो डन है राजा यस सर डन है चलो ध्यान दो आप क्या क्या कर सकते हो सर हम एक फॉर्म मैं आपको डायरेक्ट आंसर निकाल के दे सकता हूं बट स्टिल आपके लिए लिख रहा हूं डिसम्बर फोर को हमने परचेज किया था कितना क्वांटिटी परचेज किया सर 900 और उसका क्या रेट था पचास रुपए क्या हमने कुछ इश्यू किया नहीं पूरा नौ सौ पचास ये आपका क्या हो गया भाव हो गया फिर आपने दिसंबर दस को वापस और यूनिट्स परचेज किए यस सर कितने यूनिट्स परचेज किए हमने चार सौ पचपन के रेट से चार सौ पचपन के रेट से क्या कुछ इशू किया नहीं तो अब आपके पास 950 वाले भी पड़े हुए हैं और 400 यूनिट 55 के रेट से पड़े हुए हैं परफेक्ट यस सर दिसंबर 10 को 900 यूनिट जो 50 के रेट से खरीदे वो भी पड़े हुए हैं और 400 यूनिट जो आपने 55 के रेट से खरीदे थे वो भी पड़े हुए हैं अब आपने वापस दिसंबर 11 को परचेज किया है कितने यूनिट परचेज किया हमने दिसंबर ग्यारह को थोड़ा स्पेस बना देता हूं दिसंबर ग्यारह को तीन सौ यूनिट परचेस किए हैं वो किस रेट से परचेज किया हमने वापस पचपन के रेट से क्या कुछ इश्यू किया है नहीं तब आपके क्या क्या पड़ा हुआ है माल नौ सौ यूनिट पड़े हुए हैं 50 के भाव से चार सौ यूनिट पड़े हुए हैं पचपन के भाव से और तीन सौ यूनिट पड़े हुए हैं 55 के भाव से परफेक्ट यस सर अब आपके पास तीन लॉट हो गए ना लॉट नंबर वन लॉट नंबर टू और लॉट नंबर थ्री अब आपने दिसंबर उन्नीस को परचेस किया बट आपने दिसंबर एटीन को कितने यूनिट इशू किया है सोलह सो यूनिट इशू किया है सोलह सो यूनिट इशू किया है तो पहले आप क्या आ जाएंगे आपका दिसंबर एटीन सर परचेज कुछ किया क्या नहीं हमने सोलह सो यूनिट इशू किया है तो अब इशू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो सर सबसे पहले इन कौन आए थे 900 वाले तो कौन निपट जाएंगे 950 वाले निपट जाएंगे परफेक्ट यस अब 1800 सो इशू किए थे कि 1600 सो इशू किए थे सर हमने किए थे 1600 16 में से 900 चले गए तभी अभी कितने बचे 700 तो अब आपके कितने इशू जाएंगे 400 यूनिट 55 के भाव से फिर 300 यूनिट 55 के भाव से तो कहना है इससे यहां आके आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया जीरो दिसंबर 18 को आपका क्लोजिंग स्टॉक हो चुका है जीरो जो माल पहले आया था वो माल पहले मैंने इशू कर दिया है परफेक्ट यस yes. फिर आपने फिर आपने दिसंबर 11 को सॉरी दिसंबर 19 को और गुड्स परचेज किए यस सर 200 सौ गुड्स परचेज किए 60 के रेट से क्या कुछ इशू किया नहीं सर तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बन गया 260 के रेट से फिर आपने डिसेंबर 28 को वापस परचेस किया क्या परचेस किया दिसंबर 28 को 800 यूनिट 47 के रेट से तो अब आपके पास कितना स्टॉक बचा है सब तो पुराना 260 के रेट वाला और नया 847 के रेट वाला देर इन्वेंट्री इक्वल्स टू दोस्तों सिक्सटी के रेट से ये बचा हुआ है ना आपका इतना बचा हुआ है आपका दोस्तों सिक्सटी के रेट से प्लस एट्टी सॉरी एट हंड्रेड फोर्टी सेवन के रेट से चलो कैलकुलेट कर लेते यार मेरा मोबाइल बार बार मोबाइल छूट जाता है मेरा कहीं और पे मोबाइल रख देता हूं मैं खुद ही खुद हाँ दो सौ सिक्सटी के रेट से ये हो गया आपका बारह हजार रुपए प्लस एट हंड्रेड फोर्टी सेवन के रेट से कितना हो गया थर्टी सेवन एट हंड्रेड कितना हो गया थर्टी सेवन एट हंड्रेड नहीं सर थर्टी सेवन सिक्स हंड्रेड हुआ सो so, सॉरी so, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया फोर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज पर फीफो परफेक्ट विद दिस एवरीवन इज एवरीवन परफेक्ट विद दिस गाइस यस, फॉर श्योर बिल्कुल सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सर अब वही क्वेश्चन है बट इस बार पिछले बार 1600 सो इशू हुए थे वो कौन से मेथड में था वो कौन से मेथड में था फीफो अब हम कौन से मेथड में आ चुके हैं लीफो सर एक बार लीफो मेथड क्या होता है पहले वो समझाइए लीफो मेथड इज लास्ट इन फर्स्ट आउट सर ये कौन से सेक्टर पे अप्लाई होता है नॉर्मली बेटा ये वो सेक्टर में अप्लाई होता है जहां पे चीजें बिकती है ट्रेंड के वजह से चीजें बिकती है ट्रेंड के वजह से लाइक क्लोदिंग सेक्टर क्या क्लोदिंग सेक्टर में ट्रेंड है Yes क्या जूतों में ट्रेंड है Yes परफेक्ट तो जहां पे लेटेस्ट ट्रेंड आया तो मैं लेटेस्ट ट्रेंड वाला माल बनाऊंगा और वो माल बेचूंगा जो ट्रेंड पुराना है उसको बाद में बेचेंगे अभी जो माल ट्रेंड में चल रहा है जो चीजें ट्रेंड में चल रही है वो चीजें बनाओ और वो चीजें बेचो तो ये कहां पे चलता है जहां चीजें आ रही ट्रेंड तो जो लास्ट में आपने परचेस किया है वो आप क्या करोगे सबसे पहले सेल करोगे और अगर कम पड़ गया तो जो पुराना माल पड़ा है फिर हम वो बेचेंगे आई रिपीट फॉर माई सेल्फ लास्ट परचेज जो किया मैं उसको सबसे पहले बेचूंगा अच्छा बेचना ज्यादा है सपोज आपके पास ऑर्डर आया सौ यूनिट का बट आपने परचेस किया था अस्सी अस्सी तो, तो बेच दोगे आप कितने बचे बीस अब ये बीस मैं कहां से उठाऊंगा मेरे पुराने लॉट में से कहां से उठाऊंगा पुराने लॉट में से जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है यस यस सर परफेक्ट यस yes. चल अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे सर एक काम करो ना इसका कॉपी कर ले कॉपी होगा ये होगा बिल्कुल होगा ऐसे कैसे कॉपी बाद में डिलीट कर दूंगा ना मेरे को हाल फिलहाल वो चाहिए कि कौन सी डेट का क्या हिसाब किताब है यस यस सर दिसंबर पांच दिसंबर बीस और दिसंबर उनतीस। लिख दे तो कहीं पे पांच बीस और उनतीस याद रहेगा मेरे को पांच बीस उनतीस ये सेल की डेट है ये इशू की डेट है चलो तो वापस से फॉर्मेट बनाते हैं डेट परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस पर यूनिट उसके बाद आपका इशू क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी एंड उसका प्राइस पर यूनिट परफेक्ट यस yes, सर चलो हमने सबसे पहले खरीदा कब था दिसंबर चार को 900 यूनिट खरीदे थे दिसंबर चार नौ सौ यूनिट खरीदे थे क्या रेट से खरीदे थे नौ सौ यूनिट सर तो हमने पचास के भाव से खरीदे थे नौ सौ यूनिट तो दिसंबर चार को कुछ बिका क्या नहीं तो ये आपका पूरा का पूरा, पूरा क्या बन गया क्लोजिंग स्टॉक यस यस सर पचास ही है ना ठीक है अब उसके बाद दिसंबर पांच को दिसंबर पांच को बेचा गया सर दिसंबर बाद कुछ खरीदा क्या नहीं सिर्फ और सिर्फ बेचा गया कितना बेचा गया 500 यूनिट कितने यूनिट इश्यू हुए 500 यूनिट अब जो लास्ट इन आया है वही फर्स्ट आउट होगा ये तो इसका यूनिट क्या रहेगा पचास के भाव से तो आप कितने बचे सर नौ में से पांच चले गए तो अब आपके पास बचे चार यूनिट 50 के भाव से क्या बचे 400 यूनिट 50 के भाव से परफेक्ट यस सर फिर दिसंबर पांच को आपने बेचा था ये हो गया फिर आपने दिसंबर दस को चार सौ यूनिट खरीदे थे पचपन के भाव से दिसंबर दस चार सौ यूनिट परचेज किए पचपन के भाव से यस yes, क्या उस दिन कुछ इशू किया क्या नहीं सर तो आपका पुराने वाले चार सौ यूनिट पचास के भाव से और नए वाले जो आपने खरीदे चार यूनिट 55 के भाव से यस yes, मैं काम करता हूँ सेग्रीगेशन लाइन बना देता हूँ ये पुराना डे वन आपका टू ये आपका थ्री ताकि आपको अलग अलग समझ में आए ये डिसम्बर फोर डिसम्बर फाइव डिसम्बर टेन ठीक है यस सर चलो आगे बढ़ते हैं फिर डिसम्बर ग्यारह को हमने वापस परचेज किया तीन सौ यूनिट पचपन के भाव से डिसम्बर ग्यारह तीन सौ यूनिट पचपन के भाव से क्या कुछ इश्यू किया नहीं तो अब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बन गया सब पुराने वाले चार सौ यूनिट पचास के भाव के फिर चार सौ यूनिट पचपन के भाव के उसके अलावा तीन सौ यूनिट और परचेस किया वो भी किस रेट से पचपन के रेट से वो भी किस रेट से पचपन के रेट से चल आगे बढ़ते हैं के बाद दिसंबर 19 दिसंबर 19 को हमने वापस खरीदा 200 यूनिट 60 के रेट से दिसंबर 19 दिसंबर यूनिट 200 किस रेट से खरीदा मैंने साठ रुपए के रेट से खरीदा है तो अब आप, आपके तो पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा सर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है 400 यूनिट 55 पचास के भाव से 400 यूनिट पचपन के भाव से 300 यूनिट पचपन के भाव से और 200 यूनिट साठ के भाव से परफेक्ट विद दिस आई वेरी परफेक्ट विद दिस येस सर तो डिसम्बर 19 का भी हिसाब किताब खत्म हुआ अब डिसंबर बीस को माल बेचा गया है डिसंबर बीस को माल बेचा गया है That is, माल इशू हुआ है। तो डिसंबर बीस अब डिसम्बर बीस ये आपकी तारीख रही कितने यूनिट्स इशू हुए हैं 600। कितने यूनिट्स इशू हुए हैं 600। सौ तो अब याद रखो कुछ परचेस हुआ है क्या नहीं सिर्फ इशू हुए यूनिट्स यस अब इशू हुए तो लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन कौन से वाले कहना है सी दो तो फर्स्ट आउट कौन से होंगे सबसे पहले दो तो सौ दो सौ सिक्सटी के रेट से बाहर हो गए कितने हुए हैं सर 600 सौ हुए तो 600 सौ में से दो सौ यहां से उठा लिए अब तीन सौ यहां से उठा लूंगा तीन सौ पचपन के भाव से अभी भी कितने बचे सौ तो सौ यहां से उठा लूंगा सौ पचपन के भाव से परफेक्ट तो ये मैंने इश्यू कर दिया तो अब क्या क्या बचा आपका क्लोजिंग स्टॉक सर ये पूरा का पूरा बच गया 450 के भाव से और इसमें से 100 तो यूनिट इशू हो चुके हैं तो इसमें से कितने बचे 300 यूनिट पचपन के रेट से एम ए वेरी क्लियर लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट परफेक्ट विद दिस एवरीवन यस सर एम ए वेरी शॉर्ट एड टियर ये अब उसके अलावा एक और पेज मेरे को लगेगा डेट प्राइस इश्यू क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक डेट परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस पर यूनिट उसके अलावा इश्यू क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी एंड प्राइस पर यूनिट परफेक्ट यस। अब दिसंबर बीस तक का हो चुका है अपना हिसाब किताब अब दिसंबर ट्वेंटी एट को आपने वापस माल खरीदा आठ सौ यूनिट दिसंबर ट्वेंटी एट आपने 800 यूनिट खरीदा है किस रेट से खरीदा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 47 के रेट से खरीदा है किस रेट से खरीदा है 47 क्या इस तारीख को कुछ इशू किया नहीं तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा सर 450 वाला 450 वाला 355 वाला एंड उसके अलावा ये 800 और जुड़ जाएगा आठ सौ सेवन वाला परफेक्ट यस आप ये आपका हो गया डे एंड दिसंबर ट्वेंटी वापस माल बिका है या माल इशू है जो आप बोलो क्या हमने कुछ खरीदा नहीं सर बट हमने इशू किया है कितना इशू किया है पांच सौ कितना इशू किया है 500 अब पांच सौ कैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट तो पूरा का पूरा इसी बैच में से चला जाएगा बिल्कुल सर अब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा सर पूरा का पूरा चार सौ पचास के भाव वाला बचा हुआ है तीन सौ पचपन के भाव वाला बचा हुआ है और तीन सौ कितने के भाव वाला बचा हुआ है फोर्टी सेवन क्या आपको दिख रहा है क्या सर आपने छब्बीस सौ यूनिट खरीदे सोलह सौ इशू कर दिए तो आपके बचने कितने चाहिए हजार क्या हजार बचे हुए ये चार सौ तीन सौ सात सौ और तीन सौ हजार तो आपका इन्वेंट्री का वैल्यू हो गया इन्वेंट्री वैल्यू एज पर लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट इक्वल्स टू चार सौ इंटू पचास प्लस तीन सौ इंटू पचपन प्लस तीन सौ इंटू फोर्टी सेवन चार सौ इंटू पचास तीन सौ इंटू पचपन एंड तीन सौ इंटू फोर्टी सेवन चार सौ इंटू पचास ये होता है बीस हजार तीन सौ इंटू पचपन ये होता है सोलह सौ और तीन सौ इंटू फोर्टी सेवन ये होता है चौदह हजार सौ रुपए सर यहां पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन आई है पचास हजार छ सौ यहां पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन कितनी आई है पचास हजार छ सौ एम ए वेरी ग्लेटल एवरी वन बीस सोलह पांच सौ चौदह छह चौदह एक सौ तो आपका कितना हो गया बीस हजार प्लस सोलह पाँच सौ प्लस चौदह एक सौ आपका हो गया फिफ्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इज योर इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज पर लीफो टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस गाइस फर्स्ट इसका स्क्रीन शॉट पहले लो ले लिया आप इसका स्क्रीन शॉट लो आप राजा धने राजा स्क्रीन शॉट ले लिए बिल्कुल सर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम एग्जाम्पल ऑफ रेडियो सेट्स वाला लेट इज द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज पर एवरेज प्राइस मेथड एवरेज मतलब आपको जितना भी प्राइस है उसका सिंपल एवरेज करना है सिंपल एवरेज करना है और देन उसको मल्टीप्लाई कर देना है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स लेफ्ट चलो लेट्स टेक द एवरेज ऑफ द प्राइस सर क्या क्या है पचास पचपन पचपन साठ और फोर्टी सेवन एवरेज प्राइस पचास प्लस पचपन प्लस पचपन प्लस सिक्सटी प्लस फोर्टी सेवन ये पचास पचपन पचपन सिक्सटी एंड फोर्टी सेवन परफेक्ट यस द होल डिवाइडेड बाय फाइव जितने टर्म ऊपर है उतने टर्म से आपको डिवाइड कर देना है तो इसका आंसर आएगा पचास प्लस पचपन प्लस पचपन लेट्स टेक अ कैलकुलेशन पचास प्लस पचपन प्लस पचपन प्लस साठ प्लस फोर्टी सेवन टू सिक्सटी सेवन डिवाइड बाय फाइव तो आपका एवरेज प्राइस क्या आया? 53.4 पर यूनिट इज योर एवरेज प्राइस देअ इन्वेंट्री इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू हजार यूनिट बचे हुए हैं छब्बीस सौ खरीदे थे सोलह सो इश्यू कर दिए तो हजार यूनिट इन फिफ्टी थ्री पॉइंट फोर दैट इज फिफ्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड इज द आंसर कितना आंसर है फिफ्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड यस सर इज एवरीवन परफेक्ट क्लियर यस इट्स अ वेरी सिंपल नेक्स्ट अब आपको इलास्ट्रेशन टू एंड थ्री कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्राइस इलास्ट्रेशन टू एंड थ्री क्या बोल रहा है सर वो आपको ये बताना चाह रहा है कि आपके पास परचेस का डेटा है यस yes. और क्या लीफो में सेल का डेटा था यस ठीक है वेटेड एवरेज प्राइस एंड ऑल्सो देन वैल्यू द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन द वेटेड एवरेज प्राइस मेथड कुछ नहीं करना है राजा अपने को एक काम करो सर वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाओ ये क्वेश्चन है यस yes. ये इलेस्ट्रेशन आपका टू है और ये आपका इलेस्ट्रेशन थ्री है परफेक्ट टू में परचेस परचेस गिवेन है और में आपको है ठीक है पांच बीस और इस को, को लेके आना पड़ेगा डिलीट कर देंगे अपन जैसे इसको इसको नीचे लाई सकते अपन ऐसे कि इसको बाद में डिलीट करना ही है यू नॉट कीप मल्टीपल्स और इसको डुप्लीकेट करना है फीफो को ये हो गया डुप्लीकेट टेक्नोलॉजी भाई साहब मजा आ रहा है मेरे को आज डुप्लीकेट करने में चलो अब वेटेड एवरेज को मैं भूल जाता हूँ इसके ऊपर मैं एक शीट लगा देता हूँ कि मुझे करना है वेटेड एवरेज बाद में अटैच कर दूंगा ऊपर नीचे करके चलिए सर फॉर्मेट वही आपका बिल्कुल डेट डेट परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस पर यूनिट परचेस के बाद इशूड सर क्वेश्चन में इशू लिखा हो हम इसलिए क्या लिख रहे इशू क्वेश्चन में सेल लिखा रहे तो हम भी क्या लिखते थे सेल क्वांटिटी एंड प्राइस पर यूनिट नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी एंड इस पर यूनिट मैं एक दो का निकाल के दिखाऊंगा फिर आपको समझ जाएगा इसमें ज्यादा झंझट नहीं होते यहाँ पे सर सबसे पहले हमने डिसम्बर फोर को परचेज किया था यस फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन वापस लिख देता हूँ कब कब बेचा है फाइव ट्वेंटी और ट्वेंटी नाइन हाल फिलहाल मैं परचेज पे ध्यान दूंगा डिसम्बर फोर कितने यूनिट परचेज किया था नौ सौ पचपन के पचास के भाव से नौ सौ पचास के भाव से तो क्वांटिटी इशू कुछ थी क्या नहीं तो आपका क्लोजिंग कितना आ जाएगा नौ सौ पचास के भाव से फिर आपने दिसंबर पांच को इशू कर दिया तो क्या आपने कुछ खरीदा नहीं बट आपने इशू कर दिया कितना इशू किया भाई साहब पांच सौ क्वांटिटी इशू किया है पांच सौ क्वान्टिटी किस रेट से रहेगा पुराना कुछ हिसाब किताब ही नहीं है तो वही रेट से रहेगा तो आप कितने बच गए चार सौ पचास के रेट से नेक्स्ट दिसंबर 10 को आपने 400 यूनिट खरीदा 55 के भाव से दिसंबर 10 आपने 400 यूनिट खरीदा 55 के भाव से परफेक्ट यस ठीक है तब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा दिसंबर 10 को या आपका एक या आपका दो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा दिसंबर 10 को चलो तो एक एनालाइज करते हैं डिसंबर दस को आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा एज पर वेटेड एवरेज मेथड क्लोजिंग स्टॉक ऑन डिसंबर टेन वेटेड एवरेज निकाली कैसे कुछ नहीं बेटा कितने बचे हुए हैं सर चार सौ इंटू पचास पुराने वाले बचे हुए प्लस नए कितने खरीदे चार सौ इंटू पचपन क्या ये खरीदी रेट हो गया यस द होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए आठ सौ नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए आठ सौ चार सौ और चार सौ कितने हो गए आठ सौ ठीक है चलो तो करते अपन हिसाब किताब चार सौ इंटू पचास कितना होता है दैट इज बीस हजार रुपए प्लस चार सौ इंटू पचपन कितना होता है बावीस हजार तो होल डिवाइड बाय एट हंड्रेड दैट इज आपका क्या हिसाब किताब है फोर्टी टू फोर्टी टू थाउजेंड डिवाइड बाय एट हंड्रेड तो आपका प्राइस पर यूनिट कितना आ गया फिफ्टी टू पॉइंट फाइव दिस इज योर वेटेड एवरेज प्राइस दिस इज योर वेटेड एवरेज प्राइस तो आठ सौ यूनिट आपके बचे हुए हैं चार yes, सौ ये चार सौ ये आठ सौ यूनिट बचे हुए हैं और हर यूनिट का कॉस्टिंग क्या है एवरेज फिफ्टी टू पॉइंट फाइव परफेक्ट यस सर अब दिसंबर दस के बाद दिसंबर दस का दिसंबर ग्यारह कितने यूनिट खरीदे तीन सौ पचपन के भाव से दिसंबर ग्यारह तीन सौ पचपन के भाव से क्या हमने कुछ इश्यू किया नहीं तब हमको वापस इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑन डिसेम्बर इलेवन सर एक काम कर लो ना क्या क्या बचा हुआ अपने पास चार सौ पचपन के रेट वाले पुराने बचे हुए प्लस सॉरी चार सौ पचास के रेट वाले प्लस चार सौ पचपन के रेट से आपने और खरीदा तीन सौ पचपन के रेट से द होल डिवाइडेड बाय पहले 400, चार तो सौ चार सौ और तीन सौ तो कितने यूनिट्स हो गए बचे हुए ग्यारह सौ रुपए दैट इज अरे मैं कुछ नहीं करना क्या ऊपर का मैं कैलकुलेट कर चुका हूं फोर्टी टू थाउजेंड yes. ये नए एडिशन कितने तीन सौ इंटू पचपन प्लस पुराना फोर्टी टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय ग्यारह सौ कर दे तो आपके लिए ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी टू फोर्टी टू तीन सौ इंटू पचपन ये हो गया आपका बीस हजार प्लस बाईस हजार प्लस तीन सौ इंटू पचपन कितना होता है सोलह पाँच सौ द होल डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स हो गए आप ग्यारह सौ 53.18, 53.18 पॉइंट इज द एवरेज प्राइस इज द एवरेज प्राइस कौन सा प्राइस है ये वेटेड एवरेज प्राइस है सिंपल एवरेज और इसमें फर्क क्या है सिंपल एवरेज में सिर्फ प्राइस का एवरेज था या क्वांटिटी के साथ मिक्सचरों का एवरेज हो रहा है ठीक है 53.8 1100 यूनिट 53.18 के रेट से यस yes, 53.18 अब दिसंबर 11 के बाद दिसंबर 19 दिसंबर 19 दिसंबर 19 को आपने 200 यूनिट खरीदे 7 के भाव से 200 यूनिट खरीदे हमने 60 के भाव से अब डिसम्बर उन्नीस का क्लोजिंग स्टॉक अब बेटा मेरे से और उम्मीद मत करो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं बीस हजार प्लस बाईस हजार प्लस सोलह पांच सौ प्लस आपने और यूनिट खरीदे दो सौ इंटू सिक्सटी कितने यूनिट्स खरीदे सर हमने 200 सौ यूनिट और खरीदे 60 के भाव से तो आपके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट कितने हो गए सौ प्लस दो सौ तेरह सौ क्योंकि अभी तक कुछ इश्यू नहीं हुआ है चलो सिक्स टू 12 गया सत्तर गया सौ ऊपर का ऊपर का कितना टोटल हो गया सत्तर पाँच सौ डिवाइडेड बाय तेरह सौ तो फोर पॉइंट टू थ्री रुपीज फिफ्टी फोर पॉइंट इज द एवरेज तेरह सो यूनिट बचे मेरे एंड फिफ्टी फोर पॉइंट टू थ्री चलो दिसंबर उन्नीस भी हो गया आपका अब दिसंबर बीस को आपने बेचा है सबसे सिंपल मेरे को वेटेड एवरेज लगता है क्योंकि यहां भली कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है बट स्टिल डिसंबर बीस को आपने कुछ खरीदा क्या नहीं आपने बेचा कितने यूनिट बेचा आपने डिसम्बर बीस को आपने छ सौ यूनिट बेचा है कितने यूनिट बेचा है छह सौ यूनिट क्या आ जाएगा फिफ्टी फोर पॉइंट टू थ्री आप कितने बचे तेरह सौ में से छह सौ चले गए तो सात सौ यूनिट बचे फिफ्टी फोर पॉइंट टू थ्री के रेट से कितने रेट से बचे फिफ्टी फोर पॉइंट टू थ्री के रेट से December 20, December 20. पर आपने डिसंबर ट्वेंटी एट को खरीदा है यस सर डिसम्बर ट्वेंटी एट को आपने खरीदा है कितने यूनिट खरीदा है आठ सौ यूनिट फोर्टी सेवन ग्रेड से कुछ इश्यू किया क्या नहीं अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है आपको सर क्या हिसाब किताब है राजा 700 यूनिट बचे फिफ्टी फोर पॉइंट टू थ्री के रेट से यस yes. तो so, 700 यूनिट इंटू फिफ्टी प्लस आपने नए यूनिट्स खरीदे 800 यूनिट 47 के रेट से 800 यूनिट इंटू फोर्टी के रेट से द होल डिवाइड बाय कितने यूनिट्स हो गए टोटल अभी 1500. 800 प्लस 700 1500. तो सेवन हंड्रेड इंटू फिफ्टी फोर पॉइंट टू थ्री ये होता है थर्टी सेवन नाइन सिक्सटी वन थर्टी सेवन नाइन सिक्सटी वन प्लस एट हंड्रेड इंटू फोर्टी सेवन का रेट थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड द होल डिवाइडेड बाय फिफ्टीन हंड्रेड दैट इज इक्वल्स टू थर्टी सेवन नाइन सिक्सटी वन फिफ्टी पॉइंट थ्री सेवन फोर आपका प्राइस क्या है फिफ्टी पॉइंट थ्री सेवन फोर सर आपने यहां तीन डिजिट क्यों लिखा बिकॉज कैलकुलेटर में फिफ्टी पॉइंट थ्री फोर थ्री सेवन फोर ही आया राउंड फिगर में ये yes? तो आपका आंसर क्या हो गया फिफ्टी पॉइंट थ्री सेवन फोर परफेक्ट तो अब आपके पंद्रह सौ यूनिट बचे हुए हैं फिफ्टी पॉइंट थ्री सेवन फोर के रेट से परफेक्ट फिर आपने डिसंबर ट्वेंटी नाइन को इश्यू कर दिया डिसेंबर ट्वेंटी नाइन को आपने इशू कर दिया कितने इशू किया आपने पांच सौ यूनिट इशू किया और पांच सौ यूनिट का रेट क्या रहेगा फिफ्टी पॉइंट थ्री सेवन फोर तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हजार यूनिट पंद्रह सौ में से पांच सौ चले गए हजार पंद्रह सौ में से पांच सौ चले गए तो कितने बचे हजार और हजार का रेट क्या रहेगा 50.374. Therefore, नेक्स्ट पेज में लिख दो, इसी पेज में लिख दो इसी पेज में लिख दो क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू थाउजेंड इंटू फिफ्टी फिफ्टी पॉइंट थ्री सेवन फोर दैट इज रुपीज फिफ्टी थाउजेंड थ्री सेवेंटी फोर इज योर क्लोजिंग स्टॉक परफेक्ट फेक्ट विदरी वन यस सर जाला बिल्कुल सर टेक टेक्रीन शर्ट ऑफ दिस गाइस चलो नेक्स्ट पेज का भी लो बेटा यस इसका भी इंपॉर्टेंट है अब थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का फर्क आ सकता है मेरे और आपके आईसी के आंसर पे उस पर कमेंट मत कर दे रहा है प्लीज दो तीन चार रुपए का इधर फर्क चलता है राउंडिंग ऑफ में परफेक्ट यस लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन अब बिफोर स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूं अभी तक जितना अपना पढ़ा वो आपको आना चाहिए बट एग्जाम में जो पूछा जा रहा है वो इलेक्टेशन सिक्स सेवन एंड एट नाइन के बेस पर पूछा जा रहा है तो so, यहां से आपका लेक्चर और इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट यस सर अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है ऑन द बेस ऑफ एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड मेस एक्स जेड आर इन रिटेल बिजनेस

कितना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तीन परसें परसेंट और सेल्स टैक्स कितना ग्यारह परसेंट क्या पूरा का पूरा आपका परचेस का कॉस्ट हो जाएगा यस सर कॉस्ट ट्रेड डिस्काउंट प्लस टैक्सेस आपका क्या हो जाता है परचेस कॉस्ट पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ये भी पे आएगा? सर, आपका ये डायरेक्ट कॉस्ट है ये भी कॉस्ट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर ट्वेंटी टू लैफ फोर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स प्राइस ऑफ द क्लोजिंग दी क्या है इनवेंट्री या तो एट कॉस्ट रहेगी या तो एट एनआरवी तो रहेगी अब ये सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस मतलब यहां प्रॉफिट मिल चुका है या प्रॉफिट जोड़ के है ये yes. अब सर हमको ये भी नहीं बताया है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है अगर हमको बता था जीपी रेशियो का परसेंटेज क्या है हम उतना माइनस कर लेते और इसको कॉस्ट पे लेके आ जाते थे अब हम निकाले तो निकाले कैसे hmm, सोचते हैं सर दिमाग आया दो मिनट ध्यान दो कैसे करेंगे ध्यान दो चल मैं एक रफ में आपके लिए क्या बना रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट ये रफ है हा मैं आपके लिए क्या बना रहा हूं एक ट्रेडिंग अकाउंट पहला परचेज कितना हो मेरे को ये बताओ सर परचेज हुआ है फिफ्टीन लैक्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टीन सेवेंटी फाइव फाइव हंड्रेड लेस थ्री परसेंट ट्रेड डिस्काउंट लेस थ्री परसेंट ट्रेड डिस्काउंट चलो इसका ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं तीन टका फिफ्टीन लाख सेवेंटी फाइव फाइव हंड्रेड फिफ्टीन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू थ्री परसेंट दैट इज फोर्टी सेवन थाउजेंड टू सिक्सटी फाइव कितना बचा सर अब बचता है फिफ्टीन लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड टू थर्टी फाइव अब इसमें क्या लगेगा प्लस इलेवन परसेंट सेल्स टैक्स इसका इलेवन परसेंट निकालते हैं वन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड लेट से वन जीरो सिक्स राउंड फिगर कर दिया मैंने वन जीरो सिक्स तो आपका हो गया ये सिक्सटीन लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड थ्री फोर्टी वन ये आपका क्या बना परचेज वैल्यू तो परचेज वैल्यू कितनी है आपकी फिफ्टीन लाख सॉरी सिक्सटीन लाख नाइनटी सिक्स थाउजेंड फोर्टी वन उसके बाद पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यस ट्रांसपोर्ट का खर्चा और वेजेस वेजेस पता नहीं क्या क्या खर्चे दिए हुए ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसिस है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब आपको क्या गिवन है? सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंड सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अब मैं आपको एक assumption के लिए बोल देता हूं कि राजा आप मान लो कि यह हंड्रेड परसेंट है यस और मैंने पूरा का पूरा सेल कर दिया तो मैं हाइपोथेटिकली मैं हाइपोथेटिकली मान रहा हूं कि ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है सेल्स प्राइस पर है इसको ही मैंने बेच दिया इसको भी मैंने बेच दिया कारण एक रेशियो निकालना ना मेरे को यस तो मैं मान रहा हूं मैंने ये तो बेचा ही बेचा और मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को बेच दिया तो मेरा टोटल सेल्स कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू फोर्टी फाइव फाइव हंड्रेड टोटल सेल्स एक्चुअल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी टू फोर्टी फाइव फाइव हंड्रेड ट्वेंटी टू फोर्टी फाइव फाइव हंड्रेड और मैं अज्यूम कर रहा हूं दो लाख पैंतीस हजार का और सेल कर लिया ये मेरा अजम्पन है दो लाख पैंतीस हजार परफेक्ट यस सर बिल्कुल बिल्कुल सर अब लो डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल चलो ट्वेंटी टू फोर्टी फाइव फाइव हंड्रेड प्लस दो लाख पैंतीस हजार कितना हो गया ट्वेंटी फोर लाख एट्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या अभी कुछ क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है क्या नहीं सर जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था उसने उस भी उसको भी आपने क्या मान लिया आपका सेल परफेक्ट तो अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना माइनस सिक्सटीन लाख नाइनटी सिक्स थाउजेंड थ्री फोर्टी वन माइनस एटी सेवन फाइव हंड्रेड तो आपका जीपी आ रहा है सिक्स लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स फिफ्टी नाइन जीपी कितना आ रहा है सिक्स लाख सिक्स थाउजेंड सिक्स फिफ्टी नाइन तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज अगर आप निकालोगे सिक्स लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स फिफ्टी नाइन डिवाइड बाय टोटल सेल्स टोटल सेल्स कितनी है ट्वेंटी फोर लाख एटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये हो गया डिवाइड बाय ट्वेंटी फोर लाख एट्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो सर आपका ये आया है ट्वेंटी एट पॉइंट जीरो नाइन ट्वेंटी एट पॉइंट जीरो नाइन परसेंट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट सर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस जल्दी लो स्क्रीनशॉट, ले लिया यस सर अब अब कुछ नहीं करना है अब सर हम आ जाते हैं एक्चुअल्स पे अब एक्चुअल्स क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री सेलिंग प्राइस कितनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री का टू लैख थर्टी फाइव थाउजेंड लेस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इसका इस पे ग्रॉस प्रॉफिट निकला हुआ है यस yes. तो इसका कितना है ट्वेंटी एट पॉइंट जीरो नाइन परसेंट तो यहाँ से कितना माइनस होगा दो लाख पैंतीस हजार का ट्वेंटी एट पॉइंट जीरो पैंतीस हजार इंटू ट्वेंटी एट पॉइंट नाइन परसेंट ये हो गया कुछ तो ही बोलता हुआ इसलिए मोबाइल पे नहीं करते बट स्टिल इंटू ट्वेंटी एट पॉइंट जीरो नाइन परसेंट ये हो गया सिक्सटी सिक्स थाउजेंड जीरो वन टू राउंड फिगर में तो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना आ गया कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ गया आपका वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड नाइन एटी एट इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री परफेक्ट विद दिस यस सर ऐसा आपको निकालना है सिंपल एंड सोबर जीपी रेशियो निकाल लो सेलिंग प्राइस है उसमें से परसेंटेज माइनस कर लो जीपी का परसेंटेज आपका आ जाएगा कॉस्ट क्या आपको एनआर है क्या नहीं गन है तो मैं क्या अज्यूम कर लूंगा विल वैल्यूड एट कॉस्ट तो मेरा कितना गया वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड नाइन एटी एट इज एवरीफेक्ट इन याइज टेक स्क्रीन शॉट चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस yes, सर अब नेक्स्ट भी वैसा ही है ध्यान दो देखो दो बार उसने वही चीज पूछा है अगर आप ऑब्जर्व करोगे दो है दो में सेम चीज पूछा है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दो लाख रुपए कॉस्ट ऑफ परचेस ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री मान लो चलो मैं वापस से आपके लिए एक हाइपोथेटिकल ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं एक महीने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोल सकते हो क्योंकि हाइपोथेटिकल है रियालिटी में नहीं बन रहा है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर सर यह आपका एक्चुअल सेल्स है एक्चुअल सेल्स कितना है दो लाख रुपए। और अज्यूम्ड है, तो है? पचास हजार और आपका ओपनिंग स्टॉक इज नील परफेक्ट और आपका ड्यूरिंग ईयर का आपने परचेस किया है परचेस कितना किया है दो लाख रुपए। तो आप टोटल लेते हैं यहां पे ढाई लाख तो यहां भी कितना हो जाएगा ढाई लाख तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया पचास हजार रुपए निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय मैं मान रहा हूं सॉरी <coughs> मैं मान रहा हूं मेरा पूरा का पूरा माल बिक गया तो फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू लैख फिफ्टी थाउजेंड कितना होता है बेटा कितना होता है दैट इज ट्वेंटी परसेंट तो अब क्या हो जाएगा सर कुछ नहीं सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री फिफ्टी थाउजेंड लेस जीपी परसेंटेज दैट इज ट्वेंटी परसेंट तो इसका ट्वेंटी परसेंट कितना होता है टेन थाउजेंड तो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या आ गया सर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ गया है चालीस हजार रुपए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना आ गया है चालीस हजार आर वी क्लियर विद अनदर क्वेश्चन यस और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दे आर टेस्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग दैट्स इट परफेक्ट विद यस टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डन है बेटा यस सर अब लास्ट के दो क्वेश्चन बाकी है क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर नाइन अगर आप क्वेश्चन नंबर एट का हेडिंग पढ़ोगे इट्स ऑल अबाउट इन्वेंट्री टेकिंग एंड दिस हैपेंस इन रियल लाइफ इसलिए आईसीआई आपको पूछ रहा है देखो आज सीए फाउंडेशन क्लियर करके जगह कहा जाओगे सीए इंटर में परफेक्ट यस yes. अब इंटर में आप आर्टिकलशिप करोगे किसी के अंडर में यस yes. और जिस फॉर्म के अंडर भी आप करोगे उनके पास कोई ना कोई स्टॉक ऑडिट होता ही है अब स्टॉक ऑडिट दैट इज इन्वेंट्री का ऑडिट आपको करना पड़ता है यस yes, सर मैं एक बार ब्रीफ देता हूं कि ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था इन्वेंट्री टेकिंग देखो राजा होता क्या है सपोज आप एक अच्छे फॉर्म में हो जहां दस पंद्रह लोगों का आपको क्या करना पड़ता है स्टॉक ऑडिट और स्टॉक ऑडिट आपको कौन से तारीख को कंडक्ट करना पड़ता है आपको स्टॉक ऑडिट कंडक्ट करना पड़ता है थर्टी फर्स्ट मार्च को कब तो कंडक्ट करना पड़ता है क्योंकि ईयर एंड पे टेकिंग होती है तो आपको कंडक्ट कब करना चाहिए टेक्निकली मार्च को को रात जब सब कुछ बंद हो गया तब आपको स्टॉक टेकिंग लेना चाहिए यस बट होता क्या राजा आपके पास पंद्रह क्लाइंट है आप हर एक के पास तो नहीं पहुंच पाते अब किसी क्लाइंट के पास आप पंद्रह अप्रैल को पहुंचोगे किसी के पास आप बीस को पहुंचोगे किसी के पास आप फिफ्थ को पहुंचोगे परफेक्ट कैनाइ से आपको लेना था 31 मार्च का स्टॉक बट आप जा रहे हो पांच तारीख को ऑडिट करने यस yes, सर आप इन बिटवीन दैट डेज हुआ क्या होगा सर कुछ माल जो 31 मार्च का होगा 31 मार्च में कुछ जो स्टॉक हो गया वो सेल हो गया होगा यस yes. हमने और परचेस किया होगा ड्यूरिंग द ईयर बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो राजा तो कैना से कहीं ना कहीं आप डिविएट हो चुके हो पांच अप्रैल आते आते यस yes, सर एक काम करते हैं मैं आपको समझाता हूं हिसाब किताब कैसा सपोज सपोज 31 मार्च को आपको जाना है कि आपका ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट अप्रैल का कितना था और यू कैन से क्लोजिंग स्टॉक थर्टी फर्स्ट मार्च का कितना था मेरे को यह जानना है यस yes. परफेक्ट मेरे को यही जानना है और यही मेले क्या है इन्वेंट्री यही मेले क्या है क्लोजिंग स्टॉक अब आपके पास डेटा गिवन है आपके पास डेटा गिवन है फिफ्थ अप्रैल का आपके पास डेटा गिवन है कि फिफ्थ अप्रैल को आपका स्टॉक कितने का है दस लाख रुपए का फिफ्थ अप्रैल को आपका स्टॉक कितने का है दस लाख रुपए और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है परचेज उन पांच दिनों में छह लाख का माल परचेज हुआ था जो आपके पास मिल गया आपको जो आपको मिल गया है। और तीन लाख तीन लाख का माल सेल हुआ था तीन लाख का माल सेल हुआ था अब मेरे को बात बताओ नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड होता है सेल्स माइनस होगी तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बिल्कुल ये सेल्स एट कॉस्ट है हा मतलब बेचने का रेट जो रेट पे मैंने बेचा है मेरे लिए जो कॉस्ट है इट्स नॉट द सेलिंग प्राइस ये जो सेल है ये सेलिंग प्राइस पर नहीं है बस ये किस पर है कॉस्ट पर है जो माल मैंने बेचा उसका खरीदी रेट क्या है जो माल मैंने बेचा उसका खरीदी रेट क्या है तीन लाख रुपए छह लाख तो अब हम क्या करेंगे सर ओपनिंग स्टॉक में परचेज एड होता है सेल्स माइनस होता है और क्लोजिंग स्टॉक आता है यस yes, ऐसी होते आया है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस लेस सेल्स एट कॉस्ट इक्वल्स टू माय क्लोजिंग प्राइस दैट इज क्लोजिंग स्टॉक अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका दस लाख का है ठीक है सेल्स तीन लाख है परचेज आपके छह लाख ,00 है आपको क्या फाइंड करना है ओपनिंग स्टॉक कैन आई से उल्टा करना पड़ेगा सर एक्स इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स वैसे माइनस होता है लेकिन हम क्या कर देंगे प्लस तो सर ये तो उल्टा हो गया बिल्कुल परचेज ऐड होता है उल्टा करना तो हम क्या करेंगे माइनस परफेक्ट तो एक्स इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक टेन लाख प्लस थ्री लाख माइनस सिक्स लाख परफेक्ट तो आपका ओपनिंग स्टॉक कितना हो चुका है सात लाख रुपए आपका ओपनिंग स्टॉक कितना आ चुका है सात लाख रुपए सबको समझ रहा है बेटा यस yes? तो हम क्या कर रहे हैं वैसे नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक में परचेज प्लस होता है सेल्स एट कॉस्ट माइनस होता है तो आपका क्या आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक ये सीधा तरीका जो अपन आज तक चलता है बट अब हमको कहां जाना है क्लोजिंग से ओपनिंग कहां जाना है क्लोजिंग से ओपनिंग अपन उल्टा चल रहे तो हर चीज उल्टी पुलटी हो जाएगी ये yes, जैसे बी आर एस में था हर चीज उल्टी पुलटी हो जाएगी सेल्स वैसे होता है माइनस हम उल्टा चल रहे तो सेल्स क्या हो जाएगा प्लस परचेस वैसे होता है प्लस हम उल्टा चल रहे तो परचेस क्या हो जाएगा माइनस एम ए वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट यस सर अब याद रखना यहां पे सेल्स इज ऑलवेज एट कॉस्ट नॉट द सेलिंग प्राइस परफेक्ट क्योंकि सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स प्रॉफिट यस क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज एट कॉस्ट तो सेलिंग प्राइस भी कॉस्ट चाहिए परचेज का भी कॉस्ट चाहिए और ओपनिंग स्टॉक भी एट कॉस्ट चाहिए हर चीज एट कॉस्ट रहनी चाहिए पैरिटी रहनी चाहिए चीजों में परफेक्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर एट पहले नहीं कराऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर नाइन पहले कराऊंग क्वेश्चन नंबर नाइन आपका बेस बिल्ड करेगा इस कंसेप्ट का परफेक्ट ट्रेडर प्रिपेर हिज अकाउंट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च एवरी ईयर ड्यू टू सम अनवॉर्डेबल रीजन नो इनवेंटिव टेकिंग कुबल टिल फिफ्टींथ एप्रिल सर इन्वेंटिव टेकिंग कब लेनी थी इकतीस मार्च को लेकिन हम कब ले पा रहे हैं फिफ्टींथ एप्रिल को परफेक्ट यस सर ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन द गोडाउन केम टू फाइव लाख रुपीज इन्होंने फिफ्टींथ अप्रैल को लिया फिफ्टींथ अप्रैल को स्टॉक का वैल्यू कितना आ रहा है जो पड़ा हुआ है पांच लाख रुपए कितना आ रहा है पांच लाख रुपए परफेक्ट यस अक्सर सेल्स क्या होती है सर वैसे तो हम सीधा चलते थे थे तो माइनस होती थी बट हमको क्या करनी है सेल्स प्लस परचेज क्या होता है वैसे तो प्लस होता है बट हम उल्टा चल रहे तो हमको क्या करना है माइनस सब परचेज हम हमेशा कौन सी लेंगे टोटल नेट परचेज नेट परचेस मतलब परचेस माइनस परचेस रिटर्न सेल्स हम कौन सा लेंगे टोटल नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न सर कैश और क्रेडिट दोनों लेंगे क्या बिल्कुल राजा सेल्स तो मेरे लिए सेल्स है ना इट कैन बी ऑन कैश इट कैन बी ऑन क्रेडिट ऑल्सो ठीक है गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल्स वो खुद बता रहा है कि मेरा सेल्स पे कितना परसेंट मार्जिन है ट्वेंटी परसेंट चल कैलकुलेट करते हैं इसको पहले सर सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक एक काम करते हैं क्लोजिंग स्टॉक निकलते स्टॉक एज ऑन फिफ्टींथ अप्रैल 2020 स्टॉक एज ऑन फिफ्टींथ अप्रैल 2020 थाउजेंड ट्वेंटी पांच लाख रुपए सर सेल्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस लेस सेल्स एट कॉस्ट इक्वल्स टू क्लोजिंग ये सीधा फॉर्मूला है अब उल्टा चलेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक में सेल्स ऐड हो जाएगा परचेज माइनस हो जाएगा परफेक्ट तो ऐड क्या करेंगे सेल्स नेट एट कॉस्ट सर तो क्वेश्चन रेटा क्या गिवन है सेल से आपका चार लाख दस हजार का इंक्लूडिंग कैश वो करना है क्या कैश का कुछ नहीं मेरे को तो टोटल सेल चाहिए ये yes. और नीचे आपको सेल रिटर्न गिवन है दस हजार का तो आपका नेट सेल्स कितना हो गया सर नेट सेल्स हो गया है हमारा चार लाख रुपए कितना हो गया है चार लाख रुपए चार लाख दस हजार में से दस हजार माइनस कर दिए तो कितना हो गया चार लाख रुपए सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न सेल्स कितना है चार दस रिटर्न कितना दस हजार तो कितना गया आपका नेट सेल्स टेन लाख फोर लाख रुपीज अब उसने क्या बोला आपको कि मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल्स है अब हमने पिछला चैप्टर भी देखा है कंसाइनमेंट जिसको वो ऑन बोल देता है उसको मैं क्या बना देता हूं हंड्रेड जिसको वो ऑन बोलेगा उसको मैं क्या बना देता हूं हंड्रेड तो आपका सेल्स हो जाएगा हंड्रेड तो सेल्स का ट्वेंटी परसेंट हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा एट्टी परसेंट जिसको वो ऑन बोलता है उसको हमेशा मैं क्या बोलता हूं हंड्रेड परसेंट अगर वो बोलता था ट्वेंटी परसेंट ऑन कॉस्ट तो मैं इक्वेशन क्या बनाता था कॉस्ट हंड्रेड ट्वेंटी वन ट्वेंटी बट उसने क्या बोला है ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल्स तो सेल्स हंड्रेड जीपी gp20 तो कॉस्ट क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली 80 तो ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस परफेक्ट विद दिस एवरीवन यस अब आपको क्या गिवन है सेल्स गिवन है नेट चार लाख की आपको क्या चाहिए प्रॉफिट प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा ऑटोमेटिकली कॉस्ट तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते 100 x 4 लाख 20 देयरफॉर X इक्वल टू फोर लैख इंटू ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड जीरो जीरो कट जीरो जीरो कट तो कितना हो गया फोर्टी थाउजेंड इंटू टू तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना आ गया अस्सी हजार रुपये प्रॉफिट मार्जिन कितना आ गया अस्सी हजार लेस ग्रॉस प्रॉफिट एट्टी थाउजेंड तो आपका सेल्स एट कॉस्ट कितना आ गया तीन लाख बीस हजार ये क्या है सेल्स एट कॉस्ट परफेक्ट और परचेज तो हमेशा से एट कॉस्ट ही रहा है हम परचेस वो भी नेट हमेशा क्या, क्या करेंगे माइनस क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं अब परचेज कितना आपका फिफ्टी थाउजेंड थ्री फोर्टी कितना है फिफ्टी थाउजेंड थ्री फोर्टी आपका परचेज हो गया अब लास्ट में क्या बचा आपके लिए तो लास्ट में हमारे लिए बचा स्टॉक एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बीस स्टॉक एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी तो कैलकुलेट करते हैं फिफ्टी फाइव लाख प्लस तीन लाख बीस हजार आठ लाख बीस हजार हो गया माइनस थाउजेंड थ्री आठ लाख बीस हजार माइनस फिफ्टी थाउजेंड थ्री फोर्टी सेवन लैकटी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टेक्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस और ध्यान रखना राजा एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एम ए क्लियर एवरी वन स्क्रीन शॉट लो बेटा फट से जल्दी चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर दी चैप्टर अब यहां पर ध्यान दो बेटा इन्वेंट्री टेकिंग में ये नॉर्मली आपको क्या कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री अब इसके लिए ना टू मेक थिंग्स सिंपल पहले मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा फिर अपन बात की बातें बाद में पढ़ेंगे परफेक्ट यस सर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स पर्टिकुल द इन्वेंट्री एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी मतलब क्या निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री कौन सी तारीख की निकालनी है थर्टी फर्स्ट मार्च 2020 आपको क्या गिवन है इन्वेंट्री एज ऑन एक चार दो हजार उन्नीस कहां जाना है इकतीस मार्च दो हजार बीस तो ये क्या है आपके ओपनिंग स्टॉक और यू कैन से इट ओपनिंग इन्वेंट्री सर एक काम करते हैं ना एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं मेरे को हमेशा इस चैप्टर में जब भी ऐसा इक्वेशन कुछ आता है सबसे अच्छा लगता है एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लू जो भी गलत सही होगा बात का देखेंगे सबसे पहले क्या बना लू एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक कौन सी तारीख का एक अप्रैल 2019। हजार उन्नीस वन लैख फोर्टी टू फाइव हंड्रेड वन फोर्टी टू फाइव हंड्रेड आगे परचेजेज सेवन सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड परचेज ड्यूरिंग द ईयर सेवन सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड आपका क्या है परचेज उसके आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहां का पार्ट बनेंगे हाल फिलहाल तो टेक देम इनटू ट्रेडिंग अकाउंट किसमें ले लेंगे गुड्स बनाने का खर्चा वैसे तो ये जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर बट चिल अभी हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बना रहे तो बात वही है मैं यहां पर ले लेता तो हाल फिलहाल कॉस्ट का पार्ट तो बनेगा वो डेढ़ लाख रुपए आगे सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है ये सेलिंग एक्सपेंसेस ना सेलिंग एक्सपेंसेस हमेशा कहा जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सेलिंग एक्सपेंस हमेशा कहा जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव भी कहा जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एंड फाइनेंशियल चार्जेस भी कहा जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्योंकि यहां पे सेल्स गिवन है इसलिए मैं क्या बना रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट अगर ये बोलता था गुड्स इशूड तो मैं क्या बनाता था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बट ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता हाइफर आप ट्रेडिंग का नाम लिखो manufacturing लिखो क्या yes. मैन्यक्चरिंग एक्सपेंसिस में लेना है सेल्स कितनी है आपकी ट्वेल्व लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड सर आपने पीएल वाले इग्नोर क्यों कर दिए राजा पीएल इसलिए इग्नोर कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है और वो पीएल का पार्ट है तुमको तो लिख के भी कोई सेंस नहीं है सेल्स सेल्स कितना है सेल्स इज ट्वेल्व लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड ट्वेल्व लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लोजिंग स्टॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लोजिंग स्टॉक सर क्लोजिंग स्टॉक अभी हम लेके करके आए है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस आप पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं थे इस क्वेश्चन में है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स जो माल बेचा उसका खरीदी रेट क्या है ऐसा कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऐसा मैं कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक अब आप बोलोगे सर एक काम करो ना आपको क्या गिवेन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवेन है ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल्स तो एक काम करो इसमें से ट्वेंटी परसेंट हटा दो तो यहां पे आपका कॉस्ट आ जाएगा और फिर पूरा तो सब चीज आपके पास गिवेन है तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यस बट यहां पे अगर ये दो लाइन नहीं गिवेन रहती थी तो आप जो बोल रहे हो परफेक्ट है बट ये जो दो लाइन गिवेन है ये थोड़े एबनॉर्मल चीजें हैं जो कि कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट के रेशियो निकालते वक्त यूज नहीं होती है तो कभी क्या करना एबनॉर्मल आइटम को एडजस्ट कर देना हमेशा एबनॉर्मल आइटम के बिना को मेरे को मेरा ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए बिकॉज आई एम डूइंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन जैसे कंसाइनमेंट में एबनॉर्मल लॉस में हटा देता था yes, वैसे यहां पे भी चीज़ें मैं हटा दूंगा एट द टाइम ऑफ टेकिंग इन्वेंट्री एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड मतलब ये ओपनिंग है तो इसका क्लोजिंग कब हुआ होगा सर इसके लिए क्लोजिंग था थर्टी फर्स्ट मार्च 2019 पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग असम ऑफ 17,500 वाज फाइव ऑफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर आइटम विच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर 50,000 अब हुआ क्या आपका टोटल कितना दिख रहा है वन लैक फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब इसमें एक आइटम इंक्लूडेड है एक आइटम इंक्लूडेड जो आपने खरीदा कितने में था पचास हजार में बड़ा आप उसमें सत्रह पांच सौ माइनस कर चुके हो तो कहना है कहीं ना कहीं आपको एक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा सर आपने इसमें पचास हजार वाला एक आइटम है जो आपने सत्रह पाँच सौ राइट ऑफ कर दिए हो तो अभी भी वो आइटम कितने का दिख रहा है एक काम करते हैं ना निकाल लेते हैं वन सॉरी पचास हजार माइनस सत्रह कितना है अभी भी एक आइटम दिख रहा है वो कितने का है बत्तीस सौ का तो आपका नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया है सर आपका नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक है एक लाख दस हजार आपका नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक क्या है एक लाख दस हजार मेरे को हर वो एबनॉर्मल चीज हटानी है ताकि मैं एक नॉर्मल चीजों पे आऊं नॉर्मल रेशियो पे आऊं और ताकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक में एबनॉर्मल एक्टिविटी का कुछ इंपैक्ट ना आए अब कहना है से ये पचास हजार में से सत्रह पांच सौ माइनस हो गया था कितना बचा बत्तीस पांच सौ थर्टी टू फाइव हंड्रेड वो थर्टी टू फाइव हंड्रेड अभी टू फाइव हंड्रेड के अंदर right किया था, so, क्यों किया होगा नहीं मेरे को पता बट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है उस inventory के साथ तभी सत्रह पाँच सौ माइनस किया है एंड बत्तीस सौ भी पड़ा हुआ था मैंने वो भी हटा दिया यहां तक है सबको बिल्कुल सर तो मेरा नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया मैं यार रेक्टिफाई कर दे रहा हूं मेरा नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया एक लाख दस हजार रुपये कितना आया एक लाख दस हजार सर एबनॉर्मल वालों को हटा रहे हैं बिकॉज मेरे को यहां कॉस्ट ऑफ सेल में नॉर्मल चीजें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल वाला चाहिए उसमें कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी का इंपैक्ट ना होना चाहिए परफेक्ट यस yes. अब एक और चीज है दिस आइटम वॉज सोल्ड जो ये ये वाला आइटम है ना आइटम ड्यूरिंग द ईयर बिका था कितने में फोर्टी फाइव थाउजेंड में तो कहना है जो कितने में फोर्टी फाइव थाउजेंड एक एबनॉर्मल सेल वाला आइटम है जो कितने में बिका है फोर्टी फाइव थाउजेंड अगर मैं परचेज को नॉर्मल करता हूं तो सेल्स को भी नॉर्मल बनाना पड़ेगा परचेज को नॉर्मल करने के लिए थर्टी टू फाइव हंड्रेड हटाया था सेल्स को नॉर्मल करने के लिए भी थर्टी टू फाइव हंड्रेड के जगह अब कितना है फोर्टी फाइव थाउजेंड सेल प्राइस कितना है? वो वो भी वापस सुनो, purchase को normal करने के लिए 32, जो पड़ा था, वो हटाया। तो आपकी रेक्टिफाइड सेल कितनी हो गई या नॉर्मल सेल्स कितनी हो गई ट्वेल्व फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव तो आपकी नॉर्मल सेल्स कितनी हो गई नॉर्मल सेल्स ट्वेल्व लाख रुपीज आई यू क्लियर एवरी वन ईयर चलो अब एड करने की बारी आती है अब एड करते अपन ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल वाला एक लाख दस हजार प्लस परचेजेस सेवन लाख सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एड एक्सपेंसेस एक लाख पचास हजार रुपए और कॉस्ट ऑफ सेल्स बारह लाख है अब ये बोल रहा है कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल्स उसने किसको ऑन बोला है सेल्स को बोला है तो क्या ऐसा हो जाएगा सेल्स आपका हंड्रेड ट्वेंटी आपका प्रॉफिट तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा अस्सी आपको सेल्स की बेना नॉर्मल वाला बारह लाख रुपए यस मेरे को क्या चाहिए वो सेल्स का कॉस्ट को इस बार प्रॉफिट नहीं चाहिए मेरे को क्या चाहिए वो सेल्स का कॉस्ट देअ फोर कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू एक लाख बीस हजार इंटू अस्सी इंटू अस्सी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल मेरा एक्स से? है yes तो डिवाइडेड बाय हंड्रेड नहीं जमा जिसको नहीं समझा मैंने क्या किया है दो मिनट ध्यान दे दो बेटा इस तरफ लिख रहा हूं आपको दिख जाएगा एक लाख बीस हजार नहीं है मेरे पास नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं फिर डिलीट कर देंगे उसे सर आपका क्या इक्वेशन है एट्टी ट्वेंटी और हंड्रेड उसने बोला ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल्स तो सेल्स को बना दिया हंड्रेड कॉस्ट हो गया ट्वेंटी और वो हो गया एट्टी अब ये कितना नॉर्मल आपका बारह लाख और आपको क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स चलो तो निकालते हैं एक्स इंटू हंड्रेड इक्वल्स टू ट्वेल्व लाख इंटू एट्टी परफेक्ट x क्या है आपका कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल्स टू एक लाख बीस हजार इंटू अस्सी डिवाइडेड बाय हंड्रेड जीरो जीरो कट जीरो जीरो कट अब क्या बचता है आपका बारह हजार इंटू अस्सी क्या बचता है आपके पास बारह हजार इंटू अस्सी एट लाख फिफ्टी थाउजेंड आपका कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो गया एट लाख फिफ्टी थाउजेंड परफेक्ट यस सर तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल जो माइनस होगा एट लाख फिफ्टी थाउजेंड देख लो ना बेटा ये तीनों ऐड हो गए और उसमें से इसका कॉस्ट माइनस हो जाएगा तो आपको क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक चलो एक लाख दस हजार प्लस सेवन सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड प्लस डेढ़ लाख माइनस एट लाख फिफ्टी थाउजेंड तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया सॉरी आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आया वन सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड तो अब यहां पे इक्वेट कर दो आपका 172,500 सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड एंड हेंड्स फोर्थ योर इन्वेंट्री इज एज ऑन 31st मार्च 2020 हजार बीस इक्वल्स टू वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड आई विद दिस एवरी वन यस सर क्या समझा बेटा सबको क्या समझा बेटा सबको यस सर समझा सर बट हमको अभी भी कुछ दिक्कत है क्या दिक्कत है बेटा चलो आपका नॉर्मल सेल्स कितना है एक बार सेल्स चेक कर लेते हैं ट्वेल्व लाख और उसने क्या बोला ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल्स ठीक है ना तो हम अस्सी परसेंट पे चले जाते हैं कॉस्ट पे चले जाते हैं हम कोई दिक्कत नहीं एक बार रिटेबलेट कर लेते हैं बारह लाख इंटू अस्सी डिवाइड बाय सौ सर कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है आपने क्या गड़बड़ी की बेटा देखो इट्स नॉट ऑलवेज आपको एक बार रीचेक करना चाहिए अपने कैलकुलेशंस और आप हमेशा अगर मेरे साथ में छाप रहे हो तो आप कभी कभी गड़बड़ कर जाओगे देखो क्या होता है एट टाइम्स आप मेरे साथ में करते रहना चाहिए इसलिए मैंने साढ़े आठ लिख दिया लिख दिया साढ़े आठ बट क्या साढ़े आठ है क्या एक्चुअल में मैंने सब सही लिखा है आपके लिए बट मैंने यहां पे आपको गलत करवा दिया और आपका सब चीज गलत हो गया यस yes, सर अगर आप इसको अब कैलकुलेट करो और मेरे को आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कितना है जल्दी बोलो इसका आंसर कितना है सर इसका आंसर है आपका कैलकुलेट करते हैं आप फाइनली बारह हजार इंटू अस्सी नौ लाख साठ हजार रुपये कितना है नौ लाख साठ हजार रुपये या अभी भी कितना आएगा आप कॉस्ट ऑफ सेल नौ लाख साठ हजार और आपका इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा नौ लाख साठ हजार यस आप निकालो फाइनल एक लाख दस हजार अगर आप नहीं करते आ रहे हो बेटा मेरे साथ में तो आप सिर्फ इस पर मत ध्यान दिया करो कि मैंने क्या करवाया आप साथ में मेरे करो या कभी कभी आप थोड़ा एडवांस में चल लो मेरे से वीडियो पॉज करके आपका आ गया आंसर इन्वेंट्री का सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड कितना आंसर आया है सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एम आई परफेक्ट यस और ये करेक्ट है अभी इस बार फाइनली करेक्ट है बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड

Am I sorry earlier, guys? Yes, sir. And here we end the session. This is C.A. Rishabhrawala signing off for the day and for the inventory chapter. And the most and the important thing say no to yes.